हमारे बड़े भाई की एक और फिल्म आ रही है, तो हमें अपना ये पुनीत कर्तव्य लगा कि उसका प्रचार किया जाए। कहाँ मिल कहाँ गए ये आपको? देखा ऐसा नहीं लगता जैसे चाइना से अभी अभी आया हो। हम लोग वो डोगा की कॉमिक्स पढ़ते थे, डोगा की कॉमिक्स, उसमें अदरक चाचा थे। किसने किसको खोजा? कार्मिकली इन्होंने मुझे खोजा, बट फिजिकली मैं गया था इनके दरवाजे पे दस्तक देने भोसले की स्क्रिप्ट लेकर। इसलिए शायद हम जुड़ते भी हैं क्योंकि बहुत सिमिलर जर्नीज हैं हम दोनों की। की जर्नी में उससे पहले बहुत एक्शन मारधाड़ भी है, कैमरे पे नहीं बोलते। भोसले कब लिखी? 2011 में। मुझे लगा कि ये डायरेक्टर राइटर भी, डायरेक्टर राइटर है ये, तो लिखा इसने है, इसका विजन जो है बहुत आगे का है। तो एक तो बात तय थी कि इस फिल्म को प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने फ़ोन किया, संदीप आज जो है ना 10वां दिन है और आज के बाद पैसा नहीं है इस फिल्म को बनाने के लिए, तू और कुछ मत कर, नहीं चाहे तो मुझे कर्जा दे दे। उसने कहा नहीं 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 ये काम करते हैं ना मनोज सर, आप अपना जो भी आपका बंदा और उसको बोलो फ्लाइट ले और आ जाए, मैं चेक बना के देता हूँ। और उसने जो पैसा दिया उससे पूरी फिल्म कंप्लीट की हमने। हम लोग एक तस्वीर देख लेते हैं कि एक्टर है तो बंद गला और एक्ट्रेस है तो साड़ी। हाँ। और वो नेशनल अवार्ड लास्ट का जो टॉयलेट में जो उसको मारता है, और देवाशीष मखीजा ऐसा डायरेक्टर नहीं है कि वो शूटिंग की सुविधा के लिए वो टॉयलेट को बड़ा कर देगा। बदबू आनी चाहिए देखिए है। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं घर में किस कितना डिस्कस होता है कि ये फिल्म करने की सोच रहा हूँ? और कभी कभी ये भी होता है किसी बकवास फिल्म की है तुमने यार, जैसे ना बताई मैं। जोरम एक 3 महीने की बच्ची है जिसे उसका पिता साड़ी और पुराने कपड़ों से पहने थेलों में लपेटे भाग रहा है। मुझे अपना रेफरेंस भी मिल चुका था, मुझे पता था कि मुझे कौन सी दुनिया को लेकर के आना है, कौन से लोग हैं। क्या बढ़िया बढ़िया फिल्में कर रहे हो आप हैं, गुलमोहर हो चाहे साइलेंस हो चाहे वो फैमिली मैन हो। फैमिली मैन का अगला सीजन कब आ रहा है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? इस बार का फैमिली मैन पिछले वाले से भी बड़ा सुंदर और भयानक होगा। और दफ्तर में बॉस पीटने जैसे कुछ नए मीम भी मिलेंगे जो लोगों के काम आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप का अड्डा है, बैठकी है या सिनेमा अड्डा है हमें नहीं पता। इतना पता है कि हमारे बड़े भाई की एक और फिल्म आ रही है, तो हमें अपना ये पुनीत कर्तव्य लगा कि उसका प्रचार किया जाए। इसलिए नहीं कि इसमें मनोज वाजपेयी जी हैं, इसलिए क्योंकि ये फिल्म जो डायरेक्टर बना रहे हैं वो बड़े धांसू आदमी हैं। अभी आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी भोकाली हैं और आउटलुक में काफ़ी मुंबई वाले भी लगते हैं, यानी कि बने ठने से, और जिनके ऊपर जेन एक्स, जेन जी, मिलेनियल्स, बूमर्स सब एक साथ बरपा हो गए हो, ऐसे फिल्में बड़ी मानी खेज बनाते हैं। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है जोरम, ये 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। चूँकि फिल्म शानदार है इसलिए हम बिना दस्तखत किए इसके वकील बन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवाशीष मखीजा जी, मनोज वाजपेयी। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ मिल कहाँ गए ये आपको? देखा ऐसा नहीं लगता जैसे चाइना से अभी अभी आया हो। हम लोग वो डोगा की कॉमिक्स पढ़ते थे, डोगा की कॉमिक्स, उसमें अदरक चाचा थे उसके। मैंने डोगा लिखी है अनुराग की स्क्रिप्ट जो कभी नहीं बनी। ये देखिए डोगा में धंसा हुआ रहा मैं कई साल, उसके बाद ये अदरक चाचा वाला नहीं, पहले से था। इसलिए मैं जुड़ा शायद चारों चाचा के साथ। ये बंगाल से है, लेकिन अपने कहते मैं बंगाली नहीं हूँ लेकिन बंगाल से हूँ मैं, बंगाल घुसपैठिया सिंधी, बंगाल का सिंधी है ये। आप सामान्य इंटरव्यू में भी इतने पॉलिटिकली लेयर्ड रिमार्क देते हैं। क्योंकि आज मुझे 3 बार लोग मुखर्जी कह चुके हैं ऑन कैमरा। अच्छा जी, तो आई जस्ट लाइक बीइंग ऑनेस्ट, हूँ तो हूँ। किसने किसको खोजा? आई थिंक कार्मिकली इन्होंने मुझे खोजा, बट फिजिकली मैं गया था इनके दरवाजे पे दस्तक देने भोसले की स्क्रिप्ट लेकर, ऑलमोस्ट 10 साल पहले। किसने बोला था तुमको, किसके थ्रू आया था? अनजान के सेट पे एक लड़की थी शरण्या, तो शी सॉ यू व्हेन यू हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, या एंड शी सेड हैव यू सीन मनोज वाजपेयी रिसेंटली, बिकॉज वी हैड रिटन 3 साल हो गए थे भोसले को लिखे और प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मेरी करियर का कुछ नहीं हो रहा था 10 साल से, मैं 16-18 फिल्में मेरी शेल्व हुई थी, कुछ बन नहीं रही थी। कितनी? 16 और 10 साल शुरू से शुरू करो गुरु।
नहीं तो बहुत लंबी कहानी। अरे हमारे पास बहुत समय है। आपके पास नहीं तो आप अपने हिसाब से। नहीं है मेरे पास तो समय है। बताइए। नहीं मैं बम्बई आया था 2003 में, मैंने ब्लैक फ्राइडे की रिसर्च करी है और उस पर असिस्ट किया। कहाँ से आए थे? कलकत्ता से। ये मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं अज्यूम करना चाहता हूँ कि हर बंगाल का आदमी कलकत्ता से आता है। कलकत्ता से आता है। और भी वहाँ शहर हैं और भी गांव कस्बे हैं। जी नहीं पर मैं बंगाली हूँ नहीं, तो मेरे पेरेंट्स भी पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान, विच इज़ नाउ पाकिस्तान, वहाँ से आए थे। तो पाकिस्तान से बंगाल। आई हैव आस्क्ड माय डैड टिल द डे ही पास्ड कि आपको क्या क्या सोच रहे थे आप। वो फ्रंटियर मेल में तो नहीं बैठे? पता नहीं कलकत्ता क्यों आए मुझे नहीं मालूम, बट वो अपना कहा था? उनके पास भी सीधा जवाब नहीं था क्योंकि वो इतने लॉस थे उस वक्त, हिज फादर दैट दे लैंडेड इन कलकत्ता एंड दे रियली डिडंट मेक मच ऑफ देयर लाइव्स। तो समवेयर इवन आई वॉज वेरी लॉस्ट इन माई अर्ली ईयर्स, बट धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो चीज़ें कर रहा था कलकत्ता में, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर मैं जर्नलिस्ट था थोड़ी देर, एडवर्टाइजिंग में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और मेरे रूट्स बिजनेस में है क्योंकि मेरी सारी फैमिली दुकानदार थे, मेरे फादर साड़ी बेचते थे और मुझे वो तो करना ही नहीं था, अंदर एक आर्टिस्टिक कीड़ा था। तो मैं लिटरली एक थर्सडे को बिना किसी को बताए मैं एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठकर बम्बई पहुँच गया। और जैसा फिल्मों में होता है एग्जैक्टली मैं वो स्ट्रगल क्लीशे हूँ, मैं वो बहुत स्टीरियोटिपिकल जर्नी रही है मेरी वो स्ट्रगल वाली, इसलिए शायद हम जुड़ते भी हैं क्योंकि बहुत सिमिलर जर्नीज हैं हम दोनों की। तो फिर 1.5 साल मैंने बहुत कुछ किया इनकी जर्नी में, उससे पहले बहुत एक्शन मारधाड़ भी है जो ये कैमरे पे नहीं बोलते। हाँ मेरे लाइफ में भी है जो मैं नहीं बताता, मैं अपनी फिल्मों में डाल देता हूँ। 2003 में पहुंच गए ब्लैक फ्राइडे। जी फिर तो फिर ब्लैक फ्राइडे पे अनुराग ने कहा कि रिसर्च करोगे, मैं बोला हाँ कभी की नहीं है मैंने। तो कुछ 40 किलो पेपर्स उन्होंने मेरे सामने रखा कि शुरू हो जाओ। तो 6 महीने मैंने रिसर्च किया, फिर असिस्ट की मैंने फिल्म पे, तब समझ में आया कि मतलब उस वक्त तक आई थिंक ऐसी फिल्में बन नहीं रही थी, सिर्फ रामू थे जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे और रामू के जो शागिर्द हैं जिनमें से अनुराग भी एक थे। तो थोड़ी उम्मीद मिली कि यार बम्बई में ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है आदमी, शायद कोई तो फ्यूचर है मेरे लिए यहाँ पे। तो मैं टिका रहा, फिर मैंने बंटी और बबली पे मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। ये ना पूछिए क्यों, बस एक्सीडेंटली मैं वहाँ पहुँच गया। देखिए ये आदमी कहीं पहुँच जाता है उसके बाद बहुत सारे ये सवाल घेर लेते हैं, सबको सब काम करने भी चाहिए और करने भी पड़ते हैं। मोमेंटम टेक ओवर कर जाता है, आप एक पॉइंट के बाद ये एक्टिव डिसीजंस खुद नहीं बनाते हो। फिर मैं यशराज में 4 साल था, उनका एक टाइप था डिज्नी के साथ जिसमें 2 एनिमेशन फिल्म्स बन रही थी, एक थी रोड साइड रोमियो जो बहुत खराब फिल्म बनी, जुगल हंसराज ने डायरेक्ट। जी जी मुझे सिर्फ इसीलिए याद है, मैंने कहा यार ये आदमी अब डायरेक्ट भी करेगा। आपके चेहरे पे भी यही भाव थे क्या? जी फिर से आ गए क्योंकि दोबारा इतना पारदर्शी आदमी बहुत ज़्यादा। मेरी दूसरी फिल्म थी और वो फिल्म मैं सीधा डिज्नी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और 1.3 साल मैं प्री प्रोडक्शन में था, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और फाइनली जॉन लैसेटर जो पिक्सार हेड करते हैं, दे वर ट्राइंग टू गेट मी टू LA कि ये फाइनल 2 साल हम LA में बैठ कर करेंगे, इसको इंटरनेशनल फिल्म बनाते हैं। और रोड साइड रोमियो रिलीज़ हुई और पिट गई और उनका वो टाई अप टूट गया और 3.5 साल बाद मेरी फिल्म शेल्व हो गई। तो उसके बाद मेरा रास्ता ही चेंज हो गया, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि मैं यहाँ कर क्या रहा था इन द फर्स्ट प्लेस। भोसले कब लिखी? 2011 में। तो 2006 की बात है ये यशराज एनिमेशन फिल्म। तो उन 5 सालों में मैंने कई सारी और स्क्रिप्ट्स लिखी और वो बन नहीं रही थी और अंदर बहुत सवाल थे, पॉलिटिकल सवाल थे, सोशियोलॉजिकल सवाल थे, तो उनका जवाब ढूंढने मैं निकल पड़ा था। शुड ट्रैवल एंड राइट एंड ट्रैवल एंड राइट, उनमें से एक कहानी थी भोसले। जी जो सोनी लिप पे है। सोनी लिप पे है। ये हम उस संप्रदाय से आते हैं जो जब फिल्म के लिए 60 मिनट या 90 मिनट आरक्षित करते हैं तो 30 से 45 मिनट खर्च करते हैं कौन सी फिल्म देखें। इसमें शास्त्रों में से सर्फिंग कहा गया है बेफिजूल की, तो इसलिए मैं ज़रूरी फिल्में आपको बताए दे रहा हूँ, मैं भी ऐसे ज़रूरी लोगों से पूछ लेता हूँ। तो भोसले सोनी लिव पर है और ये कहने के लिए सोनी लिव वाले चाहें तो कुछ मानदेय भिजवा सकते हैं, कुछ पैसा देते होंगे ना। मैंने सुना आजकल इन्फ्लुएंसर्स पे बड़ा पैसा खर्च करती हैं कंपनी। मुझे नहीं मालूम। जब आप लिख रहे थे तब फिर इन पर भाई साहब के पास कैसे पहुँचे? तो 2011 में मैंने कम्प्लीट की वो स्क्रिप्ट 2 राइटर्स के साथ और 3 साल बहुत जूते घसे और कुछ 5-6 स्क्रिप्ट्स के साथ, उनमें से एक ये थी।
तो मेरी एक को-राइटर शरण्या अनजान पे थी इनके साथ, उन्होंने कहा कि यार मनोज सर का लुक चेंज हो गया है, बहुत पतले हो गए, भोसले के लिए शायद वो फिट बैठेंगे. तो मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था, लाइक दैट्स इंटरेस्टिंग, भेज देता हूँ स्क्रिप्ट. क्योंकि 90% ऑफ द टाइम या तो कोई जवाब देता नहीं है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, या 3 महीने बाद उनको टाइम मिला तो पढ़ेंगे और जवाब देंगे. तो मैंने ठान ली थी कि 3 से 6 महीने लगेंगे. 12 घंटे में कॉल आया इनके मैनेजर का, उन्होंने कहा कि मुकेश चावड़ा के ऑफिस में मिल लो 12 घंटे में. एंड इन दैट फर्स्ट मीटिंग ही सेड, तुमने लिखी है ये? मैं बोला हाँ, गुस्ताखी हो गई, सॉरी. ही सेड नहीं, मैं तो एक्ट तो करूँगा ही, आई विल गेट यू द फंड्स, आई एम अ को प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म, आई एम गोइंग टू वॉक विथ यू, लेट्स मेक इट हैपन. कहाँ पढ़ी थी आपने? मुंबई में थे, शूट पे थे? नहीं, घर पे, घर पे, घर पे मैंने पढ़ी थी. और रात भर में पढ़ गया मैं, और दोबारा पढ़ी, दो बार पढ़ी मैंने. एक बार तो धीरे धीरे पढ़ा, और जो भी फिल्म मैं करता हूँ, जो फिल्म में स्क्रिप्ट पढ़ के मैं डिसीजन लेता हूँ, उसको दोबारा ज़रूर एक बार मैं एक सरसरी निगाह से एक बार और पढ़ता हूँ मैं. उसके बाद मुझे लगा कि ये डायरेक्टर राइटर भी, डायरेक्टर राइटर है ये, तो लिखा इसने है. तो अपना वही दिमाग में वो मैथमेटिक्स चलता है कि इसका विजन जो है बहुत आगे का है इसका, और इसको नॉलेज बहुत है सिनेमा का. और वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही पता चल गया था मुझे. तब मैंने इनको बुलाया था वापस से तेवर के शूटिंग पे. तेवर की शूटिंग चल रही थी हमारी, मथुरा और आगरा की शूटिंग हो चुकी थी, और हम लोग मुंबई में शूटिंग कर रहे थे टाउन में, राइट. वहाँ पर मैंने इनको बुलाया था, वहाँ पर हमने डिटेल बात की थी. तो एक तो बात तय थी कि इस फिल्म को प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, वो तय था मुझे. लेकिन मुझे ये भी लगा था कि यार ये एक रिटायर्ड पुलिस वाले की कहानी है, बीमार है वो, और इसके लिए ऐसी जल्दी नहीं है कि यार 2 साल के बाद मैं इस रोल के लायक नहीं रहूँगा. तो वो दिमाग में ये था कि यार चाहे भले ही कुछ हो जाए, इसको जो है फंडिंग तो इसकी लेके आएंगे और बनाएंगे. 4 साल लग गए, कम से कम 5 या 6 प्रोड्यूसर्स आए, सबको ये नरेशन देते थे और वो भाग जाते थे. लेकिन सबका इंटरेस्ट ये था कि मनोज सर जो हैं इस फिल्म का हिस्सा हैं, तो एक बार सुन लेते हैं. तो उतने इंटरेस्टेड होते थे वो, लेकिन उसके बाद वो कहते थे यार मनोज भाई आप जो है कुछ और बना लो, ये वाला छोड़ दो, आप ये क्यों कर रहे हो. तो खैर वो चलता रहा. फिर बीच में हम लोग इंतज़ार कर करके थक गए, तो मैंने इसे कहा कि यार तेरे पास कोई शॉर्ट फिल्म है क्या, शॉर्ट फिल्म करते हैं. ये शॉर्ट फिल्म का सुझाव आया था शबाना की तरफ से कि तुम शॉर्ट फिल्म करो, ये एक ऐसा चीज़ है मैं देख रही हूँ कि ये अच्छा हो सकता है. इट नीड्स योर काइंड ऑफ एक्टर टू डू इट, और सडनली जो है मुझे लग रहा है कि कुछ बदल सकता है शॉर्ट फिल्म से, और शॉर्ट फिल्म की दुनिया को बहुत कुछ बदल सकता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. शबाना हैज़ गिवन मी दैट दैट आइडिया. तो मैंने बात किया इससे, तो इसने कहा कि आप मुझे 2 दिन दीजिए. और ये बना चुका था ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म, अगली बार तो बाद में बनाई थी, नहीं, पहले बना दी थी. और थोड़ा जोर से नाम बोलिए ताकि लोग गूगल कर सके, ऐसे फुसफुसा के बोल रहे हैं जैसे शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई कुछ और बना. थोड़ा एम्बैरेस्ड लगता है. अभी क्यों ही अपनी फिल्म का नाम लो. खुलेंगे ऐसे ही अलग अलग शहर में जा करके खुल जाएगा. आवाज़ अभी क्या है, मेरे कैरेक्टर की आवाज़ है, दसरू की आवाज़ है अभी. दसरू जोरम में मनोज वाजपेयी का किरदार कर रहा हूँ जी. तो ये साहब जो हैं, तो मैं 2 दिन में इसने मुझे भेजी, और मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार तो कमाल है यार, तो चल बनाते हैं इसको, मैं अभी पैसे का इंतजाम करता हूँ. टाइटल क्या था उसका? तांडव. हाँ, अरे ऑफ कोर्स तांडव बनी सौरभ. तांडव जब हमने यूट्यूब पे डाला, और जिस तरह की प्रशंसा उसको मिली, और ये सारे फिल्म, मतलब जितने भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है वहाँ गई, उसको इतना सम्मान मिला. तांडव ने पूरे तरीके से शॉर्ट फिल्म की दुनिया को हिंदुस्तान में चेंज कर दिया. उसके बाद मैंने 3 और की. मैं भी इतना एक्साइटेड हो गया कि 3 और मैंने शॉर्ट फिल्म अलग अलग लोगों के साथ जाके किया, क्योंकि मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया था वो देवश्री के साथ उसमें काम करने में. और मुझे लगा कि यार इसको रोकते नहीं हैं, करते रहते हैं तभी कुछ, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कुछ अपना स्वरूप बदलेगा. तो वो किया मैंने, लेकिन साथ साथ इनके पैसे के लिए भी जुगाड़ कर रहा था. 4 साल लगे,
और चार साल के बाद जो पैसे मिले वो सिर्फ 10 दिन के पैसे थे शूटिंग के, और वो 10 दिन के पैसे में हमने कहा यार शुरू कर देते हैं, पैसे आ जाएंगे, देखते हैं। तो मैं अपने ज़िंदगी के बहुत सारे शॉट्स उस फिल्म में डिफ़िकल्ट शॉट देता था, और वैन में घुस के बैठ के मैं सिर्फ फ़ोन मिलाता था अपने अपने जानने वालों को। और ये पहला तजुर्बा था आपका इस तरीके फिल्म भी कर रहा हूँ और उसके फंड? हाँ, ये पहला तजुर्बा था मेरा, और यहीं पे दिल्ली के हमारे अनारकली अफारा के प्रोड्यूसर, अनारकली अफारा को भी जो है प्रोड्यूसर मैंने ही दिया था, तो उससे मैंने पूछा, मुझे लगा यार ये तो यार जल्दी छुएगा नहीं इंडिपेंडेंट फिल्म को, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, संदीप कपूर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसको मैंने फ़ोन किया, संदीप आज जो है ना 10वां दिन है और आज के बाद पैसा नहीं है इस फिल्म को बनाने के लिए, तू और कुछ मत कर, नहीं चाहे तो मुझे कर्ज़ा दे दे, 20 लाख दे दे ताकि मैं कुछ और दिन शूटिंग करवा लूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये काम करते हैं ना मनोज सर, आप अपना जो भी आपका बंदा उसको अगले 1.5 घंटे के अंदर में एयरपोर्ट पहुँचाओ और उसको बोलो फ्लाइट ले और आ जाए, मैं चेक बना के देता हूँ। और उसने जो पैसा दिया उससे पूरी फिल्म कंप्लीट की हमने, पोस्ट वगैरह सब कुछ सारा कंप्लीट किया। इस तरीके से जा करके जोरम फिल्म ये भोसले बनी है, इसका एक अलग ही किस्सा रहा है। फिर उसको लेकर के प्रमोशन इधर उधर कांस वगैरह जाना, फेस्टिवल्स वो सारा रन किया हमने, और उसने मुझे इतना सम्मान दिया बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग अपने मेन स्ट्रीम अवार्ड के अलावा किसी की कोई जानकारी होती नहीं है, लेकिन एप्सा करके बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो कि ब्रिस्बेन में होता है, जिसमें आपके जो फेलो नॉमिनी होते हैं वो कोई ईरान का एक्टर होता है, तो कोई कोरिया का एक्टर होता है, कोई चाइना का होता है, कोई जापान का होता है, वो एशिया पैसिफिक का ऑस्कर अवार्ड ही हाँ एशिया पैसिफिक का ऑस्कर अवार्ड है, पर पहले मुझे मिल चुका था इसके लिए अलीगढ़ के लिए, और दूसरी बार उन्होंने खुद ही सबमिट, वो खुद ही करते हैं सबमिट जो अवार्ड वाले हैं एप्सा, दूसरी बार मुझे भोसले के लिए मिला। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि इतने रगड़ाई के बाद उस फिल्म के लिए मुझे एप्सा मिला था, बाद में तो अभी जाकर के मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन उस फिल्म की जर्नी बहुत कमाल रही, उस पर मतलब किताब लिखी जा सकती है। आप ये बता रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि हम लोग एक तस्वीर देख लेते हैं कि एक्टर है तो बंदगला और एक्ट्रेस है तो साड़ी, और वो नेशनल अवार्ड और इस फिल्म के लिए मिला, और फिर एक जीके का सवाल हो जाता है कुछ एक टाइम फ्रेम के जी जी, पर उसके पीछे का ये इतना लंबा स्ट्रगल, पूरा संघर्ष है, और वो बोलने में और सौरभ से बात करने में जल्दी जल्दी बातें हो जाती हैं, लेकिन वक्फा देखिए अगर उसका तो चार साल प्लस जब शूटिंग करते समय अगले दिन का पैसा नहीं है शूटिंग के लिए, फिर भी आपको करना है, और एक्चुअल जो गणेश विसर्जन हो रहा था लाल बाग चौराहा की जो पूरी सवारी, उसके बीच में मुझे उस पूरे गेटअप में घुसाया गया, 70,000 लोगों के बीच में आप समझो कि वो सारा सीक्वेंस उस फिल्म को इतना बड़ा बना देता है। लास्ट का जो टॉयलेट में जो उसको मारता है तो उस वो पूरे सीक्वेंस इन लोगों ने आईफोन पे शूट किया है, क्योंकि टॉयलेट में उतनी जगह नहीं होती है, और देवाशीष मखीजा ऐसा डायरेक्टर नहीं है कि वो शूटिंग की सुविधा के लिए वो टॉयलेट को बड़ा कर देगा, वो ऐसा आदमी है नहीं, वो बाथरूम भी जो है उतना ही संकरा होगा, उतनी कम स्पेस, बदबू आनी चाहिए देखिए है तो इस तरह के हैं ये। अच्छा ये बताइए, मैं जोरम पे आऊँगा, आपने बातचीत के क्रम में कहा कि शबाना ने मुझसे कहा, आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं घर में कितना डिस्कस होता है कि ये फिल्म करने की सोच रहा हूँ? एक्चुअली शबाना की शिकायत रही है कि मैं स्क्रिप्ट शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा लगता है शबाना को सरप्राइज़ देना, क्योंकि सरप्राइज़ होकर के जो भाव आएंगे वो मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि चेहरा उस चेहरे का, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है आता है वो शबाना से ही आता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो देखने के बाद जो भाव आए वो पहला हो,
इसलिए मैं शबाना से स्क्रिप्ट शेयर नहीं करता हूँ, जिसकी शिकायत शबाना को बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के घर में झगड़े भी हो जाते हैं, तो तना तो नहीं हो जाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि वो फिल्म के बारे में कुछ नहीं जाने, और जब जा फिल्म दिखाऊं और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो वो जो भाव है वो फर्स्ट हैंड होना चाहिए। जैसे अलीगढ़ फिल्म दिखाई, उनको दिखाई थी हंसल, और संडे का दिन था, हंसल के एडिट रूम में उस दिन अपूर्वा सरानी नहीं था एडिटर, हंसल ने कहा तो तू आ जा, मैं तू और मैं ऑफिस में बैठेंगे और शबाना को देखने दी एडिट में, वहाँ मॉनिटर पे शबाना देखना, वो स्विच ऑन कर दिया हंसल ने, कोई नहीं था ऑफिस में, उस फ्लोर पे भी कोई नहीं था, हम दोनों बैठे हुए थे गप्पे मार रहे थे, अचानक से टाइम देखा तो हाँ अभी टाइम हो रहा है, तू चल मैं आता हूँ, हंसल ने बोला। मैं गया तो फिल्म अभी ख़त्म हुई ही थी और शबाना बैठी हुई थी और एकटक वो स्क्रीन को देख रही थी, अचानक मैंने कहा कि ख़त्म हो गया, आ जाओ इधर। शबाना ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधा भागी सीढ़ियों की तरफ, हम अपनी गाड़ी में आए थे उस जगह पे, सीढ़ियों की तरफ भागी, चार माला नीचे उतरी और मैं चिल्लाता रहा शबाना शबाना क्या हो गया क्या हो गया। वो गई, ऑटो लिया और घर चली गई, घर पे जाके दहाड़े मार के रोए। तो ये इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि कैसी बकवास फिल्म की है तुमने यार, जैसे फोन आ जाता है, जैसे मुझे भाई साहब उदाहरण, आज मैं तुम्हारी ये फिल्म देखने आई हूँ थिएटर में, और सही है ना, मैंने हाँ देख लो ना, अच्छा है, तुम क्या कहूँगा, तुम देख लो, देखा। उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोला कि अपने पूरे जीवन में कोई भी शर्मिंदगी वाला काम करने से पहले ये सोच लेना कि मुझे तुमसे कोई आशाएं नहीं है। भाई साहब आप इतना बता दिया, फिल्म का नाम बता दीजिए। ना बताई मैं। आगे से इस तरह के शर्मिंदगी का अनुभव मुझे कभी जिंदगी में नहीं चाहिए तुम्हारे काम से। अगर उसका मतलब ये है कि हम लोग दिल्ली वापस जा करके बस जाएं या गांव में तुम्हारे बस जाएं, लेकिन ये वाली एम्बैरेसमेंट मुझे नेक्स्ट चाहिए ही नहीं। सच स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। हाँ सच। एंड हाउ डू यू प्रोसेस इट देन? नहीं नहीं, मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। तो बीवी, वो तो बीवी तो रोज ही क्रिटिसाइज करती है आपको ऐसे भी। तो अब फिल्म देख करके भाई उनका जो आया रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में एक अश्योरेंस था कि भाई यू डोंट नीड टू वर्क फॉर मनी, है ना। तो एक अश्योरेंस था उस पूरे रिएक्शन में, उसको उस तरीके से मैंने लिया था। तो इसलिए मैं शबाना को कभी नहीं पढ़ाता, उसके लिए झगड़े करती हैं वो कि भाई आई एम ऑल्सो क्रिएटिव पर्सन, यू शुड शेयर योर स्क्रिप्ट विद मी। मैं करता नहीं हूँ। शूट से आते तब भी नहीं बताते कैसा रहा क्या रहा, अदरवाइज तजुर्बे बताते हैं स्क्रीन पर? हाँ, अदरवाइज जो तजुर्बे होते हैं मैं काफ़ी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा। जो चैलेंजेस होते हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, अरे आज मैं मटन बना रहा हूँ, आज आलू गोश्त बना दूँ क्या, रेसिपी दे दी, वो तो मुझे, शी विल से नो, आज शी डजंट शेयर हर रेसिपी, शबाना अपनी तो ये और शी इज़ मार्वेलस कुक, बट वो है, वो चक्कर है उनका कि मेरा मूड जब करेगा तब मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर वही मुझे भी आता है कि चलो मैं ठीक है आज मैं दाल और आलू परोल की भुजिया बनाता हूँ, तो जब मैं शुरू करता हूँ, जय मोतिहारी जय बेतिया, तो या मुझे अच्छा लगता है आलू परोल, तो मतलब ऐसा है कि मैं कभी भी खा सकता हूँ। ये कभी आपको ये सुख मिला? नहीं, ये तो नहीं। ये आदमी जब शूटिंग करता है ना, ये अब मतलब इसके साथ बैठा नहीं जा सकता है। ऑक्यूपाइड रहता है, ये इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि शूट के दौरान तो मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन शूट के बाद हम लोग बहुत बातें करते हैं। मेघा भी आई थी, ये मेघा हमारे कास्ट में है, स्मिता तांबे, जिशान अयूब, ये सबको बुला कर, जिशान ने बहुत फॉन्डली इस फिल्म की चर्चा की थी, इन सबको जो है बुला के मटन खिलाता था, इसकी भी चर्चा हुई जी। और हम लोग एक गेस्ट हाउस में रहते थे जो माइन वालों का था, उनके भी शूट किया था, नोआ मुंडी, साउथ झारखंड, उड़ीसा बॉर्डर के जस्ट इस तरफ, बहुत बड़ा माइनिंग का इलाका है।
जोरम एक 3 महीने की बच्ची है जिसे उसका पिता साड़ी और पुराने कपड़ों से पहने थेगलों में लपेटे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है इसी पे पूरी कहानी है। उस पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है जबकि सच कुछ और है और सब कुछ उसके पीछे पड़े हैं। पर ये सिर्फ एक ऐसी क्राइम थ्रिलर चीज भर की कहानी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी बहुत सामान्य से दिखने वाले अपराध में दाखिल होते हैं तो आपको उसके इर्द गिर्द के पूरे समाज के अपराध नज़र आने लगते हैं। ये एक इसका स्वरूप है। तो नाउ हाउ डू यू बैलेंस दिस कि एक फिल्म कर ली, दो फिल्म कर ली, पता है केमिस्ट्री बैठ रही है, कमर्शियल भी बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, फैमिली मैन कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो अब एक OTT अवतार को लेकर भी है, तो वो एक जिच रहती है कि यार अच्छा सुन लेता हूँ फिर कहीं शेड्यूल में फिट करूँगा, फंड का अभी भी मसला आता है। हाउ डज इट वर्क बिटवीन द टू ऑफ यू? आप देखिए जब तक जोरम बनने को तैयार हुई जी, मतलब तैयार क्या हुई, जी के साथ में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई पोस्ट फैमिली मैन जी, या फिर कहें कि एक फिल्म की थी इनके साथ, मैंने सूरज पे मंगल भारी कॉमेडी फिल्म थी और वो लॉकडाउन में ही रिलीज़ हुई थी और सिनेमा हॉल ओनर ने जो है 1 साल तक उस फिल्म को चलाया था क्योंकि कोई और फिल्म लोग देखना ही नहीं चाहते थे, उनको वो सिर्फ ह्यूमर देखना चाहते थे उस दौरान में। और शारिक पटेल जो जी स्टूडियो के हेड हैं उनका मुझे फ़ोन आया कि मनोज कोई स्क्रिप्ट दो यार, तो उसके पहले मैंने उनको साइलेंस दिया हुआ था, साइलेंस की पूरी एक्सपीरियंस से वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि यार स्क्रिप्ट नहीं भेजते हो तुमने वो स्क्रिप्ट तुम किसी और को भेज देते हो, मेरे पास भी स्क्रिप्ट भेजो, तो ये शिकायत शारिक की शिकायत थी। तो मैंने कहा कि मैंने जो भेजा था शायद आपकी टीम को समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अरे हम कौन सी स्क्रिप्ट है, मैं पता करता हूँ टीम से, तुम एक काम करो वापस भेजो उसको। वापस भेजा एंड फिर शारिक ने भी पढ़ा और इमीडिएटली उसको ग्रीनलिट किया। तो अगर मैं कहूं कि भोसले को बनाने में जो मेरी प्रॉब्लम थी आई थी उस जिस तरीके की परेशानी के दौर से गुजरा था, मुझे उस तरीके की परेशानी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि तब तक जो मेकर्स हैं उनका थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे ऊपर आ रहा था, OTT पे बढ़ती हुई लोकप्रियता वहाँ से मैं स्ट्रेंथ ले रहा था। और मैं इमीडिएटली जब उन्होंने मांगा तो मैंने कहा जोरम, सबसे पहले जोरम, क्योंकि इस फिल्म पे मैं कभी भी दाव लगा सकता नहीं, कभी भी घुस सकता हूँ इस फिल्म में, क्योंकि इसको पढ़ करके हमने इतने नोट्स शेयर कर चुके थे कि तैयारी थी कि हम मुझे कहाँ पे घुसना है और किस तरीके से इसको मुझे तैयार कर देना है, उतनी तैयारी थी। सब एक हद के बाद फिर दूसरा काम करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए फंडर नहीं मिला है तो। लेकिन जब शारिक ने मुझसे स्क्रिप्ट मांगी और मैंने दिया, उन्होंने ग्रीन लाइट किया, तो ये था कि हम मेरे और देवाशीष के बीच में इतने इंटरेक्शन हो चुके हैं, मैं उस स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ चुका हूँ, तो मैं तैयार हूँ जोरम की दुनिया में घुसने के लिए। मुझे अपना रेफरेंस भी मिल चुका था, मुझे पता था कि मुझे कौन सी दुनिया को ले करके आना है, कौन से लोग हैं, वो सारी चीज़ें तैयार थी। क्या रेफरेंस था आपका? बेसिकली हमारे गाँव में जैसे हमारे गाँव में मुसहर जाति भी है या थारू कम्युनिटी है। हाँ थारू है, थारू जो ट्राइबल्स हैं आपको जो जंगल के किनारे इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे आपको पाई जाती है कम्युनिटी, तो उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा था बड़ा होते हुए। और जो उसर कम्युनिटी है वो हमारे घर के आसपास हमारे घर में सब विद्यमान थे, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा हमारे बड़े होते समय, या तो मैं उनके गोद में खेला या उनके बच्चों के साथ खेला, तो ये एक पूरा एक एक्सपीरियंस था, एक रेफरेंस पॉइंट था मेरे लिए। और मुझे पता था कि मुझे इस पे तैयारी कैसे करनी है, वहाँ तक पहुँच चुका था मैं। तो जब इसको करने की बात हुई तो सिर्फ डेट्स की ही बस बात थी और कोई बात नहीं थी। जैसे ही डेट्स वगैरह सामने आ गया और इनको दिया, क्योंकि पैंडेमिक के कारण हुआ क्या था कि शेड्यूल पूरा हिल गया था मेरा भी, और बहुत सारी फिल्में डिले हो चुकी थी। मुझे अभी भी याद, राम रेड्डी की फिल्म जो मैं कर रहा था उत्तराखंड में, अभी 2 दिन की शूटिंग हुई और फिल्म बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन हुआ। फिर उस फिल्म को करने के लिए मुझे वापस 1 साल के बाद वापस जाना पड़ा, तो वापस से पूरी उसकी तैयारी। फिर पहले उसको प्रेफरेंस दिया, फिर कनु बहल, फिर ये बेचारा गुलमोहर का डायरेक्टर,
कई साल से वेट कर रहा था वो लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक के कारण। पर क्या बढ़िया बढ़िया फिल्में कर रहे हो आप हैं। जी 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 नहीं, इस मामले में ये है कि ये सारी फिल्में, मैं सच में कहूँ, चाहे गुलमोहर हो, चाहे साइलेंस हो, चाहे वो फैमिली मैन हो, ये पैंडेमिक के पहले हाँ किए हुए थे, राम रेड्डी भी। लेकिन ये सारी फिल्में शूट करके फिर इनकी फिल्म पे आना था मुझे, क्योंकि पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान शारिक का फोन आया था, अभी बस लॉकडाउन खुला ही था जिसमें तीसरा कोविड वेव था। हाँ, तीसरा मिडिल ऑफ आवर थर्ड वेव, थर्ड वेव सॉर्ट ऑफ पुश्ड ऑल द। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मेरा आखिरी सवाल है। दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन, मेरे पास एक लंबी सूची है, शिकागो, एडिनब्रा, रोटरडम, सिडनी, डरबन, लंदन, एक बस तो क्रिएट हो जाता होगा इससे, एक माहौल बन जाता होगा, क्योंकि हम लोग चर्चा लगातार सुन रहे थे आपसे। वो उस दिन आदर्श गौरव मिला, जो हम किसी को बोले हाँ मैंने देखी तो यहाँ देखी, किसी ने मामी में, किसी ने फी में, पर फाइनली जब वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज आती है तब एक नए सिरे से वो एंटिसिपेशन गेम शुरू हो जाता होगा कि पब्लिक कैसे रिसीव करेगी, प्रचार, और प्रचार में जो जब मैं बड़े एक्टर्स को देखता हूँ तो मुझे, अब इतना खुद मैं इंटरव्यू करता हूँ फिर भी मुझे लगता है कि सबसे पहले जाके मैं उनको कहूँ कि आई एम्पथाइज यू, क्योंकि दफ्तर दर दफ्तर सबको एक्सक्लूसिव चाहिए और सबको वही सवाल पूछना है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या खास था, और आपको बार 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 वही कहानी रिपीट करनी है। चलिए, बोल किसी ने तो समझा पहली बार सुन रहा हूँ ये। और ये सिर्फ बार बार बोलना नहीं होता है, बार बार इस तरह से बोलना कि आप पहली बार बोल रहे हो, ये सवाल आपने पहली बार सुना है। क्या सवाल पूछा आपने, वाह। और मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। तो हर फिल्म में करते हैं, हर फिल्म मतलब लिटरली ऐसा होता है कि OTT के उन्होंने 10-10, 15-15 मिनट बगल में एक ब्लैक कॉफी रखी होगी, फिर वो आए, बिल्कुल वही हो, टुडे वी हैव विद अस मनोज वाजपेयी, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल। हियरिंग दिस इज लाइक थेरेपी। बस टेल मी, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यू रिसीव्ड ड्यूरिंग फिल्म फेस्टिवल्स? ये ऑल्सो बहुत सालों बाद पहली ऐसी फिल्म है जो पांचों कॉन्टिनेंट्स के टॉप फेस्टिवल्स में जा चुकी है। अब अक्सर क्या होता है, क्योंकि आई हैव डन मेनी फिल्म्स ऑफ माइन, हैव डन फेस्टिवल्स एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड दैट जर्नी, ये नहीं हो पाता है कि आप अमेरिका और अफ्रीका और एशिया करो पर आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिले, क्योंकि एक नज़रिया है हर मार्केट का, हर फेस्टिवल स्पेस का, बट समहाउ दिस फिल्म हैज़ broken through all kinds of barriers. We've cracked every continent, so that I think gave Zee Studio that kind of strength to see that they can release it worldwide in theaters. Because it's almost, audiences don't care for which culture it's coming from, they are all owning it like it's a global story. So all that's very been best. Very empowering. Agle project ki taiyari shuru? Nahi, matlab budgets mujhe फिगर करने हैं, फंडर मिले, फाइनेंस मिले, कोई स्टूडियो मिले, वो लंबा सब इनकी तरफ देख के बोलो उधर से। देखो ये तो है ही बट हमको एक साथ जाकर फिर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लिए कौन है अगला संदीप कपूर और शाहरुख पटेल, जल्दी संपर्क करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है इस तरह का रेलिवेंट सिनेमा बनाने में लेट, पर फिर आप जैसे लोग हैं तो वी फील वेरी अश्योर्ड। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड कभी भी आप इस तरह की कोई भी फिल्म बनाएं, पूरे हक से ललन टॉप आइए। बिल्कुल आऊंगा, दिस इज द प्लेटफॉर्म। मैं बहुत बड़ा फैन हूं ललन टॉप का। थैंक यू सो मच। तो बोलो, जोरम कब आ रही है? जोरम 8 दिसंबर को रिलीज हो रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, दुनिया जहां के शानदार फिल्म फेस्टिवलों में इसको, जिसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं वो मिला, क्रिटिक्स ने कागदकारी की है, खूब लिखा इसके बारे में, अब आपकी बारी है ताकि इस तरह की फिल्में बनती रहें, और हर दफ़ा शॉट के ब्रेक में एक्टर्स को फंड के जुगाड़ ना करने पड़े, बल्कि स्क्रीन प्ले में जो अगला मंजर है, जो अगला सीन है, उसकी तैयारियों में वो मुब्तला रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड कवर करने के लिए मैं पूछ लेता हूँ, डिजिटल में बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन से कीवर्ड चलेंगे, कि तो अब मुझे कीवर्ड कवर करना है, मेरी टीम ने कहा फैमिली मैन, तो मैंने कहा वो तो जोरम के प्रचार के लिए है, बोले आप एक सवाल पूछ लेना तो टाइटल में हम फैमिली मैन भी ले आएंगे, तो लोग देखेंगे जोरम तो उन्हें पता चल ही जाएगा। तो फैमिली मैन का अगला सीजन कब आ रहा है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? फरवरी एंड में शूटिंग करेंगे और शूटिंग खत्म होगी। कहाँ पे कर रहे हैं इस बार? हम लोग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे।
अच्छा हाँ, ज्यादातर वहीं पे वो जहाँ कहानी छोड़ी थी लास्ट एपिसोड में, हम लोग उधर जाएंगे और वो उसको पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतना मैं अश्योर करता हूँ सारे आपके दर्शकों को कि इस बार का फैमिली मैन पिछले वाले से भी बड़ा सुंदर और भयानक होगा। और दफ्तर में बॉस पीटने जैसे कुछ नए मीम भी मिलेंगे जो लोगों के काम आएंगे, कुछ नए सरकमस्टांसेस, कुछ नए सिचुएशन। इस बार श्रीकांत तिवारी अपने जीवन के उस मोड़ पे या उस फेज में घुस चुका है जहाँ बच्चे अब बहुत बड़े हो चुके हैं, वो भी अब थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन जीवन की चुनौतियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर एक प्रोफेशनल के तौर पर हो, वो चुनौतियाँ अब की बार कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं। श्रीकांत तिवारी उस मनोज वाजपेयी के चेहरे की रंगत बदल गई व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट किड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मनोज भैया बिटिया रानी के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाकी सब चीजें एक तरफ, ये जो बाप वाला रोल है। ऑल द वेरी बेस्ट, आपसे बात करना हमेशा हमारे लिए कुछ नई खिड़कियों के खुलने जैसा होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।